नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि वर्ल्ड की नंबर वन सोलर कंपनी कौन सी है। कौन सी सोलर कंपनी आज अपने बिजनेस को पूरे वर्ल्ड लेवल पर जिसने बहुत ऊंचा पहुंचा रखा है, तो वो कौन सी कंपनी है। मैं संग्राम सिंह, SS प्रोडक्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले हम आपको बताएंगे टॉप 10 कंपनी जो पूरे वर्ल्ड में नंबर एक से लेकर नंबर 10 तक जो कंपनियाँ हैं। इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जितनी भी कंपनियां हैं जो मतलब टॉप 10 कंपनियां हैं पूरे वर्ल्ड की, उनमें से 6 से 7 कंपनियां चाइना की हैं, या फिर अगर एक दो कंपनी है तो वो चाइना बेस्ड है, यानी कि माल उसका वहीं चाइना में तैयार होता है और अपना जो अपने ब्रांड नेम से या अपने देश के नाम से वो बेचते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर 10 की। नंबर 10 पर है यिंगली। यिंगली एक चाइनीज़ कंपनी है, 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। और यिंगली कंपनी 2012 और 2013 की वर्ल्ड की टॉप पर रहने वाली कंपनी थी। आज जो इसका रैंक है वो है नंबर 10 का पूरे वर्ल्ड में। अब बात करते हैं नंबर 9 की। नंबर 9 पर जो कंपनी है ये है क्योकेरा कंपनी। क्योकेरा एक जापान की कंपनी है और यह पहले सोलर इक्विपमेंट बनाती थी, उसके बाद फिर सोलर पैनल में इन्होंने इंटरेस्ट लिया और सोलर पैनल उसके बाद इन्होंने बनाने शुरू किए, और आज इस जो कंपनी का स्थान है वो नंबर 9 है। नंबर आठ पर है संगफेंग। संगफेंग पहले सोलर सेल बनाती थी, उसके बाद कुछ सोलर मॉड्यूल बनाने इन्होंने शुरू किए और आज इनका अच्छा खासा बिजनेस है पूरे वर्ल्ड में, और जो वर्ल्ड में इनकी पोजिशन है आज संगफेंग की वो है नंबर 8 पर। अब बात करते हैं नंबर 7 की। नंबर 7 पर है लोंगी सोलर। यह भी एक चाइनीज़ कंपनी है। अभी इसका प्लांट एक अरुणाचल प्रदेश में लगेगा, भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इनका लगेगा, उसमें काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट ये लेकर आ रहे हैं। तो लोंगी सोलर जो इस समय है 7वें नंबर पर है, ये भी एक चाइना की ही कंपनी है। अब बात करते हैं नंबर 6 की। नंबर 6 पर है GCL सिस्टम इंटीग्रेशन। GCL सिस्टम इंटीग्रेशन कंपनी की शुरुआत 1990 में हुई थी। यह भी एक चाइनीज़ बेस्ड कंपनी है जिसका हेड ऑफिस हांगकांग में है और आज इसकी पोजीशन है 6th। अब बात करते हैं नंबर 5 की। नंबर 5 पर है हनवा क्यू सेल्स। हनवा क्यू सेल्स एक साउथ कोरिया की कंपनी है और 2015 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी। इसको सबसे यंगेस्ट कंपनी बोला जाता है सोलर इंडस्ट्री में, क्योंकि 2015 में शुरू होने के बाद और आज 2020 में यानी कि 19 तक का जो हिसाब लगाया जाए तो इन्होंने सबसे ज़्यादा सोलर पैनल बेचे हैं यंगेस्ट कंपनी के हिसाब से, और आज इनकी पोजीशन वर्ल्ड में 5th नंबर की है। और इनकी जो ज़्यादा डिमांड है इनके सोलर पैनल की वो यूरोप और जापान में है। अब बात करते हैं नंबर 4 की। नंबर 4 पर है JA सोलर। JA सोलर भी एक चाइनीज़ कंपनी है। चाइना में क्या हुआ, चाइनीज़ कंपनी जो JA सोलर है, चाइना गवर्नमेंट ने इस कंपनी को सब्सिडी देना शुरू कर दिया। जैसे ही इसको सब्सिडी देना शुरू किया, इन्वेस्टर्स की एक भरमार आ बैठी इस कंपनी पर और आज इस कंपनी की पोजीशन 4 पोजीशन की है, जिसका सबसे ज़्यादा माल यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका और एशिया में है, वहाँ इनका सोलर बिजनेस बहुत ज़्यादा है। अब बात करते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 पर है कैनेडियन सोलर। कैनेडियन सोलर एक कैनेडा की कंपनी है और इसका जो बिजनेस है, इनका बिजनेस सबसे ज़्यादा लैटिन अमेरिका, एशिया और कनाडा और चाइना में भी इनके बहुत बड़े सप्लायर हैं। अब बात हुई नंबर 2 की। देखिए, जो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पर जो कंपनियां हैं उनके जो आंकड़े हैं वो हर महीने लगभग बदलते रहते हैं, क्योंकि कभी कोई सी कंपनी नंबर 1 पर है, कभी 2 पर है, कभी 3 पर है, तो ये आंकड़े मेरे आज के हिसाब से। नंबर 2 पर जो कंपनी है वो है ट्राइना सोलर। ट्राइना सोलर सबसे ज़्यादा अपने जो इक्विपमेंट भेजती है, और भी इनके जो बिज़नेस है सोलर सेल से संबंधित, सोलर पैनल से संबंधित जो भी सेल हैं या जो भी इनके अदर सोलर इक्विपमेंट है, वो सबसे ज़्यादा ये भारत में भेजते हैं और सबसे बड़ा व्यापार इनका भारत में ही है ट्राइना सोलर का, और ट्राइना सोलर आज नंबर 2 की कंपनी है। अब बात करते हैं नंबर 1 की, कि सोलर इंडस्ट्री में पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 की पोजीशन पर कौन सी कंपनी है जिसके सोलर पैनल की डिमांड सबसे ज़्यादा आज वर्ल्ड में बढ़ रही है। उस कंपनी का नाम है जिंको सोलर। जिंको सोलर एक चाइनीज़ कंपनी है, चाइना में ही इसकी मैन्युफैक्चरिंग है
और चाइनीज़ कंपनी जो मैंने अभी बताया था टॉप 10 में, लगभग 6 से 7 कंपनियां चाइना की हैं, उसमें एक कंपनी जापान की है टॉप 10 में, एक साउथ कोरिया की है और एक कनाडा की है और एक है लेकिन वो चाइनीज़ बेस्ड है लेकिन उसका हेड ऑफिस हांगकॉन्ग में है। तो ये कंपनियां लगभग टॉप 10 में जितनी भी हैं चाइना की हैं। तो ये था आज का वीडियो, अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत की टॉप 10 कंपनियां कौन सी हैं जो भारत की अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, जिनकी अपने ही जो प्लांट से काम करती हैं, भारत यही का उनका सब कुछ है। तो अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत की टॉप 10 कंपनियां कौन सी हैं और कौन सी कंपनी भारत में नंबर 1 पर है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, बहुत बहुत धन्यवाद।